क्यों अंतरा सिंह प्रियंका के साथ नहीं अब शिल्पी राज के साथ ज़्यादा काम करने में कंफर्टेबल है? खेसारी लाल यादव। जी हाँ, अगर आप पिछले कुछ दिनों से गौर करें तो अंतरा सिंह प्रियंका के साथ सिर्फ भोजपुरी गानों में और शिल्पी राज के साथ हिंदी गानों में काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं खेसारी लाल यादव। शिल्पी राज की जादुई आवाज़ को शायद उन्होंने पहचान लिया है। वैसे आप अंतरा सिंह प्रियंका के अगर फ़ैन हैं और शिल्पी राज के भी फ़ैन हैं तो आप हमेशा उनकी आवाज़ में एक फ़र्क ज़रूर पाएंगे। दोनों की आवाज़ में कहीं ना कहीं एक अपील है, लेकिन अंतरा सिंह प्रियंका की अगर आप बात करेंगे तो उनकी आवाज़ कुछ थोड़ा सा कम अपीलिंग लगती है बजाय शिल्पी राज के। जी हाँ, शिल्पी राज आज भोजपुरी का एक ऐसा नाम बन चुकी हैं जो कि अकेले अपने दम पर 100 मिलियन व्यूज़ ला सकती हैं। वैसे शिल्पी राज ने ये कामयाबी खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर ही पाई है, लेकिन शिल्पी का एक गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, नैया डोले वाला, जो कि सभी को बहुत अच्छा लगा। अब हम शिल्पी राज के बारे में अगर आपको बात करें तो परदेसिया हो गया या फिर नाच की मलकिनिया हो गया, ये सारे बड़े सॉन्ग वो खेसारी लाल यादव के साथ कर रही हैं और लोग उनके इस सॉन्ग को बहुत पसंद कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो कि अपने हिंदी गानों के लिए पहली चॉइस शिल्पी राज को मान रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा गाया हुआ गाना, हर एक गाना लोगों को पसंद आ रहा है। वैसे आपको ये भी बता दे, पिछले दिनों जो शिल्पी राज के साथ कंट्रोवर्सी हुई थी इसका उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और अब शिल्पी राज के साथ जितने भी लोग हैं वो इसे कैश करना चाहते हैं, ताकि लोकप्रियता जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े ही कम देर तक टिकती है। जी हाँ, ये सभी जानते हैं, आज कोई और किसी को पसंद है तो कल कोई और पसंद होगा, इसलिए लोकप्रियता यहाँ बड़ी कम देर तक टिकती है। लोग लोकप्रियता को कैश करना बहुत बखूबी जानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आजकल सेंसेशन बनी हुई है शिल्पी राज। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।